नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन इंडिया चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सियासी खबरों के बारे में जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से निकल के सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को पार्टी से दरकिनार कर दिया है, जिसके बाद में दिग्विजय सिंह इस्तीफा लेने जा रहे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी में खलबली मचने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो चुकी और भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो वहीं राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बड़ी चाल चल दी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है और कांग्रेस पार्टी में बगावत देखने को मिल चुकी है, जिसके बाद में सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दोस्तों, अभी हम आपको इस बड़ी खबर के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू अंत तक देखेगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिले और हमारा मनोबल भी बढ़े। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर आ रही बड़ी खबरों के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी मरकर मच चुकी है और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार को लेकर आ रही बड़ी खबर के बारे में। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अब दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी में खलबली मच चुकी और कांग्रेस पार्टी का सियासी पारा चढ़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को दरकिनार कर था, जिसके बाद में दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी से नाखुश हो चुके हैं और इसी कारण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे और भंगवा धारण करने जा रहे हैं, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी मरकर मच चुकी है और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने के साथ ही कांग्रेस की सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद में जो है दिग्विजय सिंह को लेकर कोई सोच भी नहीं रहा था और कमलनाथ की सब चिंता कर रहे थे, और इसी कारण जो है दिग्विजय सिंह नाराज हो चुके हैं और दिग्विजय सिंह अब पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो दरअसल कमलनाथ की भूमिका को लेकर बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कही जा रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह को लेकर कुछ भी बातें नहीं कही जा रही है और इसी कारण दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी से नाराज हो चुके और वह पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे, और सिंधिया की तरह वह भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की राजनीति को खत्म करेंगे मध्य प्रदेश में और पूरी तरह से ऑपरेशन कमल को सफल बनाएंगे दिग्विजय सिंह। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर, जहां पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और वहीं दोस्तों, आपको बता रहे तो मध्य प्रदेश के मामले को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर कमलनाथ अब नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पार्टी के सूत्रों के अनुसार, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद या नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सकता है कमलनाथ को। ये बहुत ही बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि कमलनाथ एक बहुत ही बड़ा जाल फेंकने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिसके बाद में कमलनाथ की सरकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बनेगी। ये बहुत ही बड़ी खबर भी निकल के सामने आ रही है मध्य प्रदेश के मामले को लेकर, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन इस वक्त कमलनाथ को एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि दिग्विजय सिंह पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों, आपको बता दें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है दिग्विजय सिंह को लेकर आ रही बड़ी खबरों के बाद में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कमलनाथ की सत्ता का गिरना एक बहुत ही बड़ा कारण रहा है, कमलनाथ का पुत्र मोह का होना ये बड़ी बात कही है, जिसके बाद में दिग्विजय सिंह खुश हो चुके और अब दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो दोस्तों, के सियासी ड्रामे को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें थी आप सभी के लिए। और अब आगे बात करते हैं राजस्थान को लेकर आ रही बड़ी खबरों
खबरों के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी में हड़कंप तेज हो चुकी है क्योंकि ऑपरेशन कमल अब राजस्थान में आ चुका है और अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के साथ ही कांग्रेस पार्टी की सत्ता गिराने जा रहा है। तो राजस्थान सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान सरकार में कांग्रेस पार्टी में तनातनी बढ़ चुकी है और इसी तनातनी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है क्योंकि सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है। ये सूत्रों के अनुसार बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है क्योंकि सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत के विरोध में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी बात कही है, जहां पर मोदी सरकार के पक्ष में सचिन पायलट ने बात कही तो वहीं अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के उससे बड़े कदम के खिलाफ में बात कही और इसके बाद में दोनों कई मत अलग देखने को मिले, जिसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी के भीतर खींचतान शुरू हो चुकी है, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। तो कांग्रेस पार्टी में खलबली भी मची है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी की राजस्थान से सरकार जाती हुई नजर आ रही है। तो राज्यसभा चुनाव को पोस्टपोन करने को लेकर जो है गहलोत और पायलट की अलग अलग राय देखने को मिली है, जहां पर गहलोत ने इस मामले को लेकर यानी राज्यसभा चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने को कदम को बुरी तरह से गलत बताया है, तो वहीं सचिन पायलट ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि इस हालत में यह कदम बिल्कुल सही है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है तनातनी देखने को मिली और इसी कारण अब सचिन पायलट जो है कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और वह भंगवाधारी बन जाएंगे। तो ये दोस्तों राजस्थान सरकार को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर सचिन पायलट अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे और एक बार फिर से राजस्थान में कमल खिलने जा रहा है। दोस्तों इस प्रकार से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही थी, जिसके बाद में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की नींव उखड़ रही है और कांग्रेस की जड़ें उखड़ने के साथ ही कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है और कांग्रेस पार्टी में इसी कारण खलबली मच चुकी है, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर देखने को मिली है दोनों ही राज्यों में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सियासी जंग को लेकर संपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।